हाई फ्रेंड्स, मैं हाफिज आलम। और आप डिस्प्ले में देख रहे हैं कि ये एडसेंस का इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कोई भी पेमेंट कैसे रिसीव कर सकते हैं। तो मैं आपको वेस्टर्न यूनियन का ये अकेला बताऊंगा, तो बैंक वगैरह का मैं अगले ट्यूटोरियल में जरूर बताऊंगा। तो हम इस दफ़ा सिर्फ वेस्टर्न यूनियन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पेमेंट एक दफ़ा रिसीव की हुई है इस अकाउंट से $218। तो आप सबसे पहले पेमेंट में जाइए, और फ्रेंड एक बार जरूर याद रखिएगा कि ये पैसे तभी आप रिसीव कर पाएंगे जब आपकी पेमेंट 1,100 के से अबव हो जाएगी। तो यहाँ पे इस दफ़ा मेरी पेमेंट 1.65 है, तो मैं अभी रिसीव नहीं कर सकता। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने $218 मैंने यहाँ से रिसीव किए, डेबिट किए। तो जब भी आप $100 से अबव हो जाएगा आपका अकाउंट, या आपके पैसे $100 से अबव हो जाएंगे, तो आपको ऐसी एक लिंक मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। तो आपको ये एक पेमेंट रिसीप्ट का एक फॉर्म देगा। तो आपको यहाँ से ये आपका, यहाँ मैं दिखाता हूँ, तो ये आपका वेस्टर्न यूनियन नंबर है, तो आप इसे दिखा कर भी पेमेंट वसूल कर सकते हैं। तो आप इसकी प्रिंट निकलवा कर आप वेस्टर्न यूनियन में जाइए और वहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले का प्रोसीजर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तभी आएगा जब आप पेमेंट मेथड सेव कर लेंगे। तो पेमेंट मेथड आप तभी सेव कर पाएंगे जब आप $100 सेव हो जाएंगे, या आप सेव कर पाएंगे। आप सेव तो कर लेंगे, लेकिन आप आपके पैसे जो है वो मिलेंगे तभी जब $100 से अब हो जाएंगे। तो आप मैरिज में जाइए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेमेंट का जो है वो $100 होना जरूरी है। तो हम इसे ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम इसे कम नहीं कर सकते। तो आप, तो मैंने यहाँ पे वेस्टर्न यूनियन का पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया हुआ। तो अगर आप कोई और बैंक वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एड न्यू पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट सेव मेथड, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही रह चुके हैं, चेक और वायर, क्योंकि मैंने वेस्टर्न यूनियन सेलेक्ट किया हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही रह गए, चेक और वायर। चेक पार्सल में अवेलेबल नहीं है, तो हम वेस्टर्न यूनियन और वायर के जरिए ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप वेस्टर्न यूनियन का एक और रेडियो बॉक्स दिखाई देगा, तो आप वहाँ पे अपना नाम देकर पेमेंट वसूल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सिर्फ अपना नाम देकर ये पेमेंट वसूल किया, तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। आप किसी और का नाम भी देख सकते हैं जो पेमेंट वसूल कर ले आपके। तो या अगर आप वेस्टर्न यूनियन का रेडियो बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, तो आपको ऐसा ही डिस्प्ले नज़र आएगा जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ से एग्री करके सेव कर सकते हैं, या मतलब नेम चेंज करके आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन पेमेंट लेने के बारे में और पेमेंट मेथड सेव करने के बारे में। तो अगले वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी टिप एडसेंस के हवाले से जरूर दूंगा। तो तब तक तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।